हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं एटीएम मशीन्स के बारे में कि आखिर एटीएम मशीन्स काम कैसे करती हैं, वो कैसे आपके जो पैसा है उसको कैसे गिनती हैं, कैसे कैलकुलेट करती हैं आपको कितना पैसा देना है, अंदर पैसा कहां रखा जाता है और उसके अंदर मतलब एटीएम के अंदर पैसा कहां से आता है, वो आपके बैंक से कैसे बात करता है, हमारे एटीएम को कैसे पता चलता है कि उसने जो नोट उठाया है वो कितने का नोट है, क्या वो उसकी फोटो खींचता है या फिर हमारे नोट में कोई एक चिप लगी होती है जो उसको बताती है कि ये 10 का नोट है, ये 50 का नोट है, ये 100 का नोट है। ये सारी चीजें आज की हम इस छोटी सी वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसके बाद आपको एटीएम मशीन के बारे में लगभग सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, एटीएम मशीन के काम करने का प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, जब आप अपने एटीएम कार्ड को उस मशीन के अंदर डालते हो। अब एटीएम मशीन आपके कार्ड से इन्फॉर्मेशन कैसे लेती है, ये एक पूरा अलग प्रोसेस है। अगर इसको मैं समझाने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि उस टॉपिक को मैं एक अलग वीडियो में बता दूं कि मतलब हमारा जो चिप है उसके अंदर ये ब्लैक स्ट्रिप है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर कैसे होती है और ये जो अब नई चिप्स आने लगी हैं ये क्या है और कैसे ये एटीएम इन चिप्स की इन्फॉर्मेशन को रीड करता है और कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं, ये मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के प्रोसेस का। मतलब आपने एटीएम के अंदर अपना कार्ड डाल दिया, उसके बाद उसने उस सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कर लिया, अब इसके बाद क्या। तो अब देखो, जैसे ही आपने अपना कार्ड डाला तो उसके बाद उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस एटीएम ने रीड कर ली। अब वो उस इन्फॉर्मेशन को जो बैंक का सर्वर है उससे मैच कराता है। अब देखो ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं, यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं। पहला, आपका अकाउंट कोटक बैंक में है और आप कोटक के ही एटीएम मशीन पर जाते हो, या फिर दूसरा, आप एक एसबीआई मतलब किसी और बैंक की एटीएम मशीन पर जाते हो, जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई या फिर किसी भी दूसरे बैंक के मशीन पर जाते हो। अब केस नंबर वन, अगर आप अपने ही बैंक के एटीएम मशीन पर जाते हो, जैसे कोटक का अकाउंट है तो कोटक के ही एटीएम मशीन पर जाते हो, तो वहां पर सिंपली आपने जब कार्ड डाला तो उसके बाद उसने उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करा और उस इन्फॉर्मेशन को भेजा अपने बैंक में, मतलब कोटक के सर्वर पर भेजा, और वहां पर जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उससे मैच कराया। मतलब कि ये जो अकाउंट नंबर है ये इस बैंक में अवेलेबल है भी या नहीं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो यही होता है इस कार्ड को वेरीफाई करने का कि ये कार्ड लेजिट है भी या नहीं। और अगर हम इसी चीज के लिए केस टू को देखें, मतलब आप दूसरे मशीन पर जा रहे हो, दूसरे बैंक की एटीएम मशीन पर जा रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो एटीएम है जैसे आईसीआईसीआई का एटीएम है तो वो अपने आईसीआईसीआई वाले ब्रांच से कनेक्ट करेगा और वो जो ब्रांच है मतलब जहाँ पे फिजिकल बैंक है वो आपके कोटक से कॉन्टेक्ट करेगा, मतलब उससे पूछेगा कि हाँ भाई इस नंबर का कोई अकाउंट नंबर है, और जब कोटक वहां से इस चीज को वेरीफाई कर देगा कि हाँ जो अकाउंट नंबर आप बता रहे हो वो हमारे पास है, तो उसके बाद आगे की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो एटीएम है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है, ये मतलब आप डालो कार्ड और उसी चीज की इन्फॉर्मेशन से पैसे निकालती है, नहीं, वो आपके बैंक से जो भी उस पर्टिकुलर एटीएम मशीन का जो बैंक है, जैसे एसबीआई का एटीएम मशीन है तो एसबीआई के बैंक से हमेशा कनेक्टेड रहता है। तो बस यही मेन प्रोसेस है कि आपने अपना कार्ड डाला, उसके बाद उसने उसकी इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई वगैरह कर लिया, अब आपने अमाउंट डाला, तो अब जब आपने अमाउंट डाला कि मतलब मुझे इतने पैसे चाहिए, तो उसके बाद वो एटीएम मशीन क्या करता है, दोबारा से अपने बैंक में कनेक्ट करता है, बोलता है कि भैया इसे इतने पैसे की जरूरत है, मान लो 10,000 की जरूरत है, तो वो बैंक को बोलेगा कि भाई इसे 10,000 निकालने हैं। तो अब जो आपका एसबीआई का बैंक है जो उस एटीएम से कनेक्टेड है, वो बैंक आपके कोटक वाले से कांटेक्ट करेगा, बोलेगा भाई मुझे 10,000 रुपए भेजो क्योंकि वो बंदा मेरे से मांग रहा है 10,000 रुपए। तो इसके बाद जो आपका पिन है, मतलब जो आपका पर्सनल आइडेंटिटी नंबर है जो आपने उसमें डाला है, उसे आपका मेन बैंक, आपका कोटक वाला बैंक वेरीफाई करेगा, उसके बाद उस पैसे को 10,000 रुपए को एसबीआई को ट्रांसफर करेगा, उसके बाद एसबीआई इस एटीएम मशीन को अलाउ करेगा कि भैया हाँ निकाल दो अब पैसे। तो ये सारी बैकएंड में ऐसे काम करती हैं और ये बहुत जल्दी होता है, मतलब इंटरनेट आपको पता ही है कितने जल्दी आईएमपीएस से पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसी तरह बहुत जल्दी रियल टाइम में सारी चीजें होती हैं, इसीलिए हमें पता नहीं चलता। तो अब ये तो बात हुई बाहर बाहर की कि कैसे आपने अपना इनपुट दिया, उस एटीएम मशीन ने बैंक से ट्रांसफर करा, आपके बैंक ने कैसे उसे पैसे ट्रांसफर करे, और उसके बाद उस बैंक ने अलाउ करा कि इसको पैसे निकालने दो भले ये दूसरे बैंक का ग्राहक क्यों ना हो। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें एसबीआई का क्या फायदा, वो तो कोटक से पैसे निकलवा रहा है, उसने इतनी मेहनत करी, उससे पैसे मंगवाए, वेरीफाई करवाया, उसका क्या मतलब। तो यहाँ पर यार ये बैंक जो है ना, ये अपने चार्जेस लेते हैं इस काम करने के लिए, वो चार्ज लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका बैंक आपको कितने फ्री चार्जेस दे रहा है, मतलब वो बोलता है ना कि आप जाओ किसी भी बैंक से एक महीने में या एक हफ्ते में 5 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो, अगर 5 बार से ऊपर करते हो तो उसके बाद आपको चार्जेस देने पड़ेंगे।
तो अब ये तो सारी बातें हुई एटीएम मशीन के बाहर बाहर की, कि मतलब कैसे वो एटीएम मशीन अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करता है और वो बैंक आपके बैंक से कैसे कॉन्टैक्ट करके पैसे लेन देन करता है। ये तो बाहर बाहर की चीजें हो गई। अब हम घुसते हैं इस एटीएम मशीन के अंदर। तो यहाँ पर देखो चीजें काम कैसे करती हैं। हमारा जो एटीएम मशीन है उसके अंदर जो फिजिकल पैसा आता है, एक मेरा जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने जो बैंक के बारे में बनाई थी कि पैसा कैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होता है, उसमें एक ने पूछा था कि भाई एटीएम मशीन में पैसा कहाँ से आता है। तो यार एटीएम मशीन में जो फिजिकल पैसा है, जो कागज का नोट है, वो बैंक वाले लेकर आते हैं गाड़ियों के अंदर। आपने देखा होगा ना, गाड़ियां आती हैं बैंक के सामने खड़ी रहती हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं, तो वो एटीएम में पैसा डालने के लिए ही आते हैं। अब देखो यहाँ पर एटीएम मशीन के अंदर दो चिप्स लगी होती हैं, मतलब दो प्रोसेसर्स लगे होते हैं, पहला मेन प्रोसेसर और दूसरा सेकेंडरी मॉड्यूल। मेन प्रोसेसर का काम होता है आपके बैंक से हमेशा कनेक्टेड रहना और दूसरा इस चीज को कैलकुलेट करना कि इतने अमाउंट के लिए कितने नोटों की जरूरत है। फॉर एग्जांपल आपने 10,000 की रिक्वेस्ट करी, तो वो जो मेन प्रोसेसर है वो उस 10,000 को ब्रेक डाउन करेगा कि इसे कितने नोट दिए जाएं, कि इसका पूरा 10,000 रुपए हो जाए। तो अब ये तो बात हो गई प्रोसेसर की। अब इस मशीन के अंदर बहुत सारे, मतलब 2, 3 या 4 कैसेट लगे होते हैं। इस कैसेट को हम CMD भी कहते हैं, मतलब कैश मीडिया डिस्पेंसर्स। अब इसका काम क्या होता है, इसके अंदर ही जो मेन पैसा है, जो फिजिकल पैसा है, वो इन्हीं कैसेट्स के अंदर रखा जाता है। और एक कैसेट के अंदर एक ही तरह के नोट रहते हैं। जैसे एक कैसेट के अंदर अगर 2,000 के नोट हैं तो उसमें जितने भी नोट होंगे सारे के सारे 2,000 के होंगे, दूसरे में 100 के, तीसरे में 50 के। तो एक कैसेट के अंदर एक ही तरह के नोट को रखा जाएगा। जैसे मान लो आपने 5,000 रुपए की रिक्वेस्ट करी, तो अब वो मशीन क्या करेगी, जब सब कुछ वेरीफाई हो गया, मतलब सामने वाले बैंक ने कह दिया एटीएम से कि हाँ भाई पैसे निकाल के दे दे, तो अब मेन प्रोसेसर क्या करेगा, उस 5,000 को ब्रेक डाउन करेगा कि मैं इसे कितने नोट दूं कि 5,000 रुपए बन जाए। तो वो 2,000 के दो नोट करेगा, 500 के दो नोट करेगा। मान लो उसके पास 2,500 के दोनों नोट हैं, तो अब ये प्रोसेसर ने दूसरे मॉड्यूल को ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि हाँ 2,000 के दो 500 के नोट निकाल के दे दे। तो अब ये जो सेकेंडरी मॉड्यूल है ये सारा का सारा काम आगे बढ़ाएगा और कैसेट से पैसे निकालना शुरू करेगा। तो अब यहाँ पर ये जो कैसेट्स हैं, ये भी कोई ऐसे केवल डब्बे नहीं है कि मतलब डब्बे के अंदर जैसे बॉक्स के अंदर पैसा रख दिया जाता है, ये कोई नॉर्मल डब्बे नहीं है, ये बहुत ही प्रोग्राम्ड डब्बे हैं। मतलब ये हमेशा मॉड्यूल से कनेक्टेड रहते हैं। तो जब मॉड्यूल ने बोला कि भैया 2,000 वाले नोट देने हैं, तो जो 2,000 वाला बॉक्स है जिसके अंदर 2,000 के नोट हैं, वो सबसे पहले पैसे निकाल देगा। और उसके बाद उसके आगे लगा होगा एक स्कैनर। आपने देखा है ना, आपको एटीएम मशीन से बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केसेस में बेकार नोट निकलते हैं, तो ये पॉसिबल हो पाता है उसी स्कैनर की मदद से। वो स्कैनर क्या करता है, उसकी थिकनेस को मेजर करता है। आपके नोट में किसी भी तरह का कोई चिप नहीं लगा होता, ना तो वो एटीएम मशीन फोटो खींच के वेरीफाई करता है, वो किसी चीज से वेरीफाई नहीं करता कि ये कौन सा नोट है। एक बार जब ये पैसे निकल जाते हैं, मतलब 2000 के दो नोट निकल गए, 500 के दो नोट निकल गए, तो टोटल 4 नोट हो गए। अब इन 4 नोट को वेरीफाई करना है कि जितने भी नोट निकले हैं उनकी गिनती 4 ही होनी चाहिए। तो ये वाला काम वो स्कैनर करता है। वो स्कैनर उसकी थिकनेस को मापता है कि कहीं एक नोट के अंदर दो नोट चिपके हुए तो नहीं है, या फिर कोई नोट अनइवन थिकनेस का तो नहीं है, मतलब बीच में से कहीं गला हो या फटा हुआ हो। अगर ऐसा केस होता है तो वो उस नोट को रिसाइकल बिन में डाल देता है, जो कि बैंक वाले दोबारा अपने पास ले जाते हैं। और फिर इस स्कैनर के बाद, मतलब जब वो उसकी सारी थिकनेस मेजर कर लेता है और कन्फर्म कर देता है कि 4 ही नोट है, उसके बाद जो ये घड़ड़ घड़ड़ घड़ घड़ की आवाज़ आती है ना, वो आती है इसके मोटराइज सिस्टम की, इसके मैकेनिज्म की, जो उस नोट को, मतलब जो नोट निकल गए 4, उन नोटों को ऊपर तक लेकर आएगा, उसके मुंह तक जहां से वो बाहर निकलने वाले हैं। और जब एक बार नोट बाहर निकल गए तो भैया उड़ाओ उन्हें, जैसे आपकी मर्जी है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से एटीएम के बारे में तो सब कुछ पता चल ही गया होगा कि उसके अंदर चीजें कैसे काम करती हैं और उसके बाहर की चीजें कैसे काम करती हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। मैं, हो सकता है अब मैं स्टार्ट कर दूं, जैसे बाकी सब लोग करते हैं ना संडे को Q&A वाला सेशन, अगर आप लोग बोलो तो मैं वो स्टार्ट कर देता हूँ। तो ऐसे जो भी क्वेश्चंस होंगे किसी भी वीडियो से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट करो, मैं वहाँ से पिक कर लूंगा। तो चलो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक वो सब्सक्राइब वाला बटन लाल दिख रहा है ना, तो उसको जरूर दबाना, और घंटे वाले बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।